नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक्निकल समय। दोस्तों आज हम बात करेंगे पीको स्टोन के इस छोटे से डिवाइस के बारे में। दोस्तों ये डिवाइस का क्या काम है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही शानदार डिवाइस है और दोस्तों आपको ये परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ये प्रोडक्ट है, इसको आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करके अपने लाइट पंखे चार पॉइंट अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आप घर में कहीं पर भी हो, आपके मोबाइल लो और मोबाइल से ही पंखा चलाओ, लाइट चलाओ, उसके अलावा दो पॉइंट और कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे LED TV हो गया या फिर जो रात में नाइट लैंप होता है वो, उसको आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं और बोर्ड के अंदर ये लग जाता है, आपको कोई परेशानी नहीं आती है। सिर्फ आपको प्ले स्टोर से एक पीको स्टोन का ऐप इंस्टॉल करना होता है और उसको फ़ोन से कनेक्ट करना होता है, उसके बाद आपका होम बन जाता है स्मार्ट और अपने फ़ोन से ही आप पंखा चलाओ या लाइट चलाओ कुछ भी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आपको ये किस तरह लगाना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये इसका मॉडल है और इसमें जो ये लिखा हुआ है L और N, यानी कि लाइन, इसमें आपको ये फ्यूज का वायर मिलेगा, ये लगाना है और इसमें N में न्यूट्रल है, जो इस न्यूट्रल का जो न्यूट्रल ग्राउंड तार होता है वो लगाना होता है। इसके अलावा D1 D2 D3 D4 इसमें आपको डिवाइस जो आपके ना डिवाइस उनके वायर लगाने हैं स्विच में से निकाल के, और इसके अलावा S1 S2 S3 और S4 इसमें आपको मतलब एक वायर का टुकड़ा लेना है और इसमें से कनेक्ट करके स्विच में लगाना है जहाँ से आपने अपने पंखे के रेगुलेटर के वायर खोले हैं और हाफ पॉइंट के जो वायर खोले हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये बोर्ड। तो दोस्तों मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे इसके मतलब ये पॉइंट है, ये कनेक्टर आगे लगा हुआ था इसमें, इसमें इस तरह के मतलब 8 और 2 10 मतलब पिन है जिनमें आपके वायर लगेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख रहे हैं ये नीला वायर जो मैंने N लिख रहा है इस पर न्यूट्रल, ये न्यूट्रल में लगा दिया, और इसके बाद लाइन लिख रही थी जो मैंने लाइन में लगा दिया यानी कि फेस में लगा दिया। इसके बाद आपके पास बचे 8 पॉइंट जिनमें S1 S2 S3 S4 और इसके बाद D1 D2 D3 और D4 यानी कि Switch 1 Switch 2 और Switch 4। इसके अलावा D1 का मतलब है Device 1 Device 2 Device 3 Device 4। तो दोस्तों इसमें करना क्या हुआ, S1 में स्विच में जो आपने तीन या हाफ हैं आपके तीन स्विच, इनमें से तीनों को वायर जो हाफ आ रही है आपकी रेड कलर की यहाँ लगा रखी है मैंने, ये आपके हाफ हैं, इनको आपको निकाल देंगे स्विच में से। और ये नीला वायर है S1 S2 S3 S4 ये स्विच की जहाँ से आपने तार लगाया स्विच में यहाँ लगा देंगे। उसके बाद जो आपके हाफ पॉइंट के तार निकले हैं स्विच में से उनको आप D1 D2 D3 D4 में लगा देंगे। इसके बाद आपका ये लग जाता है और इसको आप बोर्ड के अंदर ही सेट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है पीको स्टोन नाम से। उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों वो सेम वाईफाई से आपको अपना मोबाइल कनेक्ट करना है, सेम उसी से आपका ये पीको स्टोन का डिवाइस से ये कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों उसमें कुछ सेटिंग दिखाएगा 1 2 3 4 और आपको मतलब आपका बेसिक है तो आप बेसिक पे करें, और इसके अलावा एक पोलर और आता है जिनमें रिमोट कंट्रोल से जो डिवाइस चलती हैं उनमें काम आता है वो। फ़िलहाल ये बेसिक वाला है, आपको बेसिक पे सेलेक्ट करना है और कुछ सेटिंग्स करनी है, उसके बाद आपके पास मतलब 4 स्विच आ जाएंगे स्क्रीन पे। इस तरह आप दिखाता हूँ मैं अभी आपको, आप देखेंगे इसमें इस तरह ये स्विच आ जाएंगे और फिर मैं आपको लाइट ऑन ऑफ करके दिखाऊँगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये लाइट ऑन ऑफ हो रही है। तो दोस्तों इस तरह आप इस डिवाइस को इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज में ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुँच पाए और आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।